हम आपको बता दें कि कोटा के डीसीएम रोड स्थित आलूवालिया मॉल में निर्माण कार्य के पेमेंट के मामले में ठेकेदार और मॉल के मैनेजर के बीच विवाद हो गया। ठेकेदार निर्माण कार्य का भुगतान मांग रहा है, वही मॉल के मैनेजर व निर्माण कंपनी वालों का कहना है कि ठेकेदार ने वर्क ऑर्डर के अनुरूप कंप्लीट कार्य नहीं किया। इस दौरान कंपनी के लोग और ठेकेदार आपस में तू तू मैं करते नजर आए। ठेकेदार साबिर ने बताया कि उसने वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम किया है, लेकिन कंपनी के लोग बिना वजह काम में कमी बताकर पेमेंट अटका रहे हैं। ठेकेदार साबिर ने कहा कि कंपनी के कर्मचारियों की नीयत ठीक नहीं है, बिना वजह 10% TDS काटा जा रहा है। जबकि साबिर ने अपने CA से बात की तो उन्होंने केवल 1% TDS कटौती की बात कही। सर मामला कुछ भी नहीं था, मामला सीधा सीधा था, मैं सीधे भी बना था। सीधे उन्होंने क्या है, कुछ चंद रुपये की वजह से उन्होंने मेरे को निकालने के वो करा, फिर वो परेशान इतना कर रहे थे जिससे तो है नहीं। मैं शायद भी किसी साइड से परेशान हुआ, मल्टीमीटर में काम करा और गए पान में काम करा, राउल बटा ग्रुप में भी काम कर रहा हूँ और अभी सरकारी कॉन्ट्रेक्ट RD कटेशन के नाम से मेरा मेडिकल कॉलेज MBBS और जेके लोन में काम कर रहा हूँ। ये आहूवालिया कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है। यहाँ पे इन्होंने पहले 70,000 की एप्लीकेशन लिखाई, पहले एडवांस के लिए 70,000 की एप्लीकेशन लिखा के इन्होंने भेजी वहाँ, तो उसका पैसा 18 जून को एप्लीकेशन लिखाई उन्होंने 70,000 की, और पैसा आया 5 तारीख को चेक बन के इनके जो ऊपर है अफसर शेखर जी वो लेके आए 54,000 चेक। तो मैंने कहा सर मैंने 70,000 की एप्लीकेशन लिखी थी, आप 54,000 लेके क्यों आए? तो इनका ये बोलना था कि भाई 10% TDS कटा है, मैंने 10% कौन TDS कटा है एप्लीकेशन में। तो फिर आप तो मैंने मेरे सीनियर से बात कराई, मेरे सीनियर ने क्लियर कर दिया उनको, फिर उन्होंने कहा 1% कटेगा आप पर TDS कॉन्ट्रेक्टर बेस पे हो, तब जाके ये शांत हुए। किस प्रकार का काम करवाया था आपसे? मेरे साथ सिविल का काम इन्होंने पहले नीचे दिया काम, जो सर काम था खुद कर लिया, और ऊपर काम था जो 8 दिन का काम था, जो इनको घाटे का काम था वो काम मेरे से करा लिया। तो 5 दिन से रेगुलर परेशान कर रहे, मेरे बंदे खुद परेशान हो रहे, मेरे इंजीनियर जो लगे हुए हैं आप चलाए में वो खुद परेशान हो रहे। कितने पैसे बच रहा आपका? मेरा 150-200 लाख रुपये फंसा हुआ है अभी यहाँ पे। क्या कहना है इनका? अभी आज आपके सामने आप आए हो तो ये बात कर रहे हैं कि आज नाप करा के 7 दिन के अंदर पैसा चलाने की बात कह रहे हैं मुझसे। नाम बता दें आपका? मेरा नाम साबिर खान है।